एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान की कोई मूर्ति ना थी ना है। 180,000 पाउंड अखा इंडिया में अपन बेस्ट है। मेरी मूर्ति की नहीं, ऑब्वियसली सैर पे निकलते। वाल्मीकि रामायण से गंगा अवतरना का सीन इज फ्रॉम महाभारत, बुद्धिज्म, भक्ति एरा एंड द रामायण। कि भाई कहीं अगर राजा जी को बैठने का मन हुआ तो घास पे थोड़ी ना बैठेंगे। महल तुसी की समझते हो, मैं सारा कुछ एक ही वीडियो जो बनाऊंगा। अ यूनिक मॉन्यूमेंट, अमीरी का शौक था उन्हें, नाइट ग्रैंड कमांडर। हेलो हेलो एंड नमस्कार, आपका स्वागत है आयशा रोहन इतिहास में। मैं हूँ रुचिका शर्मा, पेशे से मैं एक इतिहास की टीचर हूँ। मेरे कुछ और क्रेडेंशियल्स भी हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ किताबों के नाम भी मौजूद हैं जो आज के टॉपिक से मेल खाते हैं। अगर आप उसे अपनी जिज्ञासा के तौर पे पढ़ना चाहें या फिर मैं जो भी इस वीडियो में कहूंगी उसे फैक्ट चेक करना चाहें। दिस इज द 22nd एपिसोड ऑफ आयशा रोहन इतिहास। मुझे बहुत वक्त हो गया है एक बड़ा वीडियो बनाए हुए, तो इसीलिए शायद मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ये रिकॉल करने में। आमतौर पे आयशा रोहन इतिहास में मैं वीडियो अंग्रेजी में बनाती हूँ, पर ये वीडियो हिंदी में है। ये मेरी पहल है ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है काफी सारे लोगों तक जाए। इसके अलावा मैं शॉर्ट्स भी हिंदी में बनाती हूँ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो नाउ दैट एवरीथिंग इज डन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे बड़ौदा में स्थित कीर्ति मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जिसमें भगवान की कोई मूर्ति ना थी ना है। मूर्ति नहीं है तो उसे मंदिर क्यों कहते हैं? और अगर वहां भगवान की मूर्ति नहीं है तो उसकी जगह पर क्या है? बना वो हूबहू मंदिर के जैसा है। देयर इज अ शिखरा, देयर इज अ मंडपा, बट देयर इज नो वर्शिपिंग अ गॉड इन दिस टेम्पल। ऐसा नायाब मंदिर बनाया किसने और किसके लिए, ये सब जानेंगे व्हाइल आई डू दिस एमेथिस्टी लुक। That purple colored crystal, that's what has inspired this look. Chalein phir. So the Kirti Mandir was built in 1936 to commemorate the golden jubilee of Maharaj Sayaji Rao III of the Gayakwad Maratha family that ruled over the kingdom of Baroda. Mandir jo hai Britain ke Westminster Abbey ke tarz pe bana hai, jahan angrezi shasakon ko dafnaya jata tha, aur usi tarah Kirti Mandir bhi Gayakwad parivar ke shasakon ko honor karne ke liye bana tha. Mandir bilkul baki mandiron jaisa hi banaya hai. For example, it has a shikhara. शिखरा मंदिर के गर्भगृह के ऊपर होता है। गर्भगृह को अंग्रेजी में सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हैं, जहां मेन आइडल यानी मेन मूर्ति को रखा जाता है। कीर्ति मंदिर के शिखर के ऊपर सन और मून है और उसके साथ साथ एक ग्लोब बना है जहां पर अनडिवाइडेड इंडिया का मैप बनाया गया है। काइंड ऑफ सिग्नलिंग एज इफ द गायकवाड फेम एंड कीर्ति had spread to the contours of India. But also just say, Akha, India mein apun best hai. You know, you like, you never know with pompous kings. Plus, I'm not making this up, guys. Like, Garbhagriha mein, Bhagwan ki murti ki jagah, Sayaji Rao ka bust hai. And if that's not enough, log aaj bhi mandir mein aakar, murti ke aage sar jhukate hain. Meri murti ki nahi, obviously, Sayaji Rao ki murti ki. Duh. मंदिर में और कमरे भी हैं जहां बाकी गायकवाड़ परिवार के राजा और रानियों का बस्ट भी है। इन केस यू डोंट नो, बस्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ अ स्कल्पचर जहां आपका सर और आपके चेस्ट तक ही बनाया जाता है। और चूंकि इन सबको, गायकवाड़ परिवार के राजाओं को, हिंदू रीतियों के तहत जलाया जाता था ना कि दफनाया जाता था जैसे कि वेस्टमिंस्टर एबी में है, तो उनकी याद के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के बस्ट बनवाए गए। तो ये गायकवाड़ थे कौन? सबसे फेमस गायकवाड़ थे ये महाराजा सयाजी राव द थर्ड, जिनकी अधिकांश रेन 20th century में थी। सो सयाजी राव गायकवाड़ द थर्ड, इन केस यू डिडंट नो, वाज हेल्ड एज द मॉडल इंटरमीडियरी बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस। ही वाज टॉट बाय ब्रिटिश ट्यूटर्स फॉर एग्जाम्पल, एंड ऑल्सो एंडेड अप बिकमिंग एन आउटस्टैंडिंग रिफॉर्मर फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। उनकी बीवी महारानी चिमनाबाई वॉज अगेंस्ट द पर्दा,
1927 में ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट भी थी. सया जी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टू ब्रिंग एजुकेशन टू द अनटचेबल्स, कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन इन बड़ौदा. उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की एजुकेशन का पैसा भी दिया. यू सी, सयाजी राव शायद इसीलिए इतने महान दिल थे क्योंकि वो राजा के बेटे नहीं थे. उन्हें एक किसान से गोद लिया गया था. बिकॉज सयाजी राव's फादर, फॉस्टर फादर खांडेराव गायकवाड़ द सेकेंड, डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर. यू सी, सयाजी राव's फादर हैड अ पेंशेंट फॉर कलेक्टिंग रिचेस. अमीरी का शौक था उन्हें. उन्होंने हीरे खरीदे किसानों के पैसे से. इसका जिक्र मैंने शॉर्ट्स में विस्तार से किया है. यू कैन लिसन टू इट हियर. आल्सो, नो मार्क्स फॉर गेसिंग, खांडेराव गायकवाड़ द सेकेंड आल्सो डिड नॉट जॉइन द रिवोल्ट ऑफ 1857 लाइक मेनी अदर मराठा चीफ्स डिडंट बाय द वे. And this is why he was generously rewarded for his loyalty to the British crown by being given the Knight Grand Commander, which was one of the three. So the Knight Grand Commander was one of the three order of the star in India in 1861. But Raja to Sayaji bhi the na bhai. Ameeri ka shauk to unhe bhi tha. Just because he did charity does not mean he didn't waste money. For example, जब महाराज सुबह अपने grounds में सैर पे निकलते थे तो उनके पीछे छह लोग उनकी कुर्सी उठा के चलते थे कि भाई कहीं अगर राजा जी को बैठने का मन हुआ तो घास पे थोड़ी ना बैठेंगे. And of course, Sayaji also spent tons of money buying immense amount of European painting, जो खास करके आज उनके लक्ष्मी विलास पैलेस का हिस्सा है, जो कि 180,000 पाउंड की लागत से बना है. इस पे एक अलग वीडियो बनेगा अगली बार. भाई अगले ने अड्डा खर्चा कितना तुसी ही समझ दो. मैं सारा कुछ एक ही वीडियो च बना ला. और बाकी पेंटिंग्स जो महल में फिट नहीं हो पाई, can you imagine? There were paintings which just couldn't fit in the mahal. Mahal chhota pad raha hai itni paintings se. So the paintings that couldn't make it to the mahal, unhe alag se museum mein rakha gaya. Paintings to Kirti Mandir mein bhi banwai gayi. Mandir ki pehli manzil pe, charo diwaro pe bahut adbhut paintings hai. And keeping with promoting the national culture, which to be fair, to Sayaji Rao was something that he always took into consideration, he appointed Nandlal Bose, painter of the Shantiniketan School of Painting, the one which is famous for the Tagores, was invited to decorate the Kirti Mandir. It undertook for Nandlal Bose 7 whole visits to finish the entire project. So Bose initially wanted the whole project to be black and white since the walls were white, and then to complement the whole things with bright wall insets. Yeah, that's too much. That's exactly what Bose thought too, and abandoned the idea in favor of colored murals. Like, which is kind of obvious, right? Like, why would you make black and white first and then put colored inset to offset the black and white? Makes no sense. I mean, look at me, correcting an artiste who is hailed as a national treasure. Me, who can't even draw a single straight line to save her life. Ugh. So Nandlal ji, Bose ji, had pupils, shishya jisko bolte hain, jo unse painting ki taleem le rahe the, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में उनकी मदद भी की. नंदलाल वुड डू द आउटलाइन और स्टूडेंट्स कलर भरते थे. नाउ दिस ट्रेडिशन यू सी इज वेरी ओल्ड. मुगल तस्वीर खाना में भी, जहां मुगल पेंटिंग्स बनती थी, जो उस्ताद थे जैसे कि दाशवंत, अब्दुस्समद, पेंटिंग डिजाइन करते थे और उसकी रंगकारी उनके शागिर्द करते थे. मुगल पेंटिंग से याद आया कि ऐसी काफ़ी पेंटिंग्स के बारे में शॉर्ट्स में मैंने जिक्र किया है. आप इस प्लेलिस्ट पे वो वीडियोस जाकर देख सकते हैं. कीर्ति मंदिर के लिए नंदलाल ने एग टेम्पेरा पैनल्स का इस्तेमाल किया,
जिसकी इंस्पिरेशन बुद्धिस्ट स्तूप से है. यू सी दिस, दैट्स इट, द स्तूप इंस्पायर्ड पैनल. फॉर सब्जेक्ट, नंदलाल chose to cover an area of 502 square meters with stories from Mahabharat, Buddhism, Bhakti era and the Ramayana. क्योंकि idea ये था कि Indian mythology, खास करके Hindu mythology को उजागर करना है. उनके कई शागिर्द में से जिन्होंने बोस के इस project में मदद की थी, विनोद बिहारी बोस भी थे, जिन्होंने अपनी डायरी में बताया है कि सबसे पहले 1939 में वाल्मीकि रामायण से गंगा अवतरणा का सीन बनाया गया साउथ वॉल पे. द डिसेंट ऑफ द गैंजेस इज एक्चुअली अ फैसिनेटिंग स्टोरी ऑफ शिवा द पुराणिक गॉड कैरियिंग द फुल थ्रस्ट ऑफ रिवर गैंजेस इन हिज मैटेड हेयर टू लेट अ बेरेबल स्ट्रीम ऑफ वॉटर कम टू द अर्थ and help its people survive. शिव यहाँ अपने त्रिकालदर्शी रूप में है, जहाँ उनके तीन सर हैं, तीनों काल को represent करने के लिए, कल, आज और कल. गंगा उनके बीच वाले सर के ऊपर पेंट की गई है. गंगा को इस चित्र में एक और जगह भी दिखाया गया है जहाँ वो शिव के चरण प्रक्षाल रही हैं. दूसरी नॉर्थ वॉल में मीराबाई has been painted. The medieval Indian Bhakti saint who was an ardent follower of Krishna, another Puranic god. Painting teen frame mein hai. Pehle frame mein Meera ko full meditative state mein dikhaya gaya hai. Dusre frame mein Meera ghar bar chhod kar sant samaj ke saath dikhai gayi hai. Aur teesre frame mein Meera Dwarkadish mandir mein hai. 1943 में फिर नंदलाल ने नाटीर पूजा की पेंटिंग की, जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ प्ले है और बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है. प्ले इज ऑन श्रीमती, अ बुद्धिस्ट डांसर एंड अजात शत्रु, द मौर्यन किंग हु इन द स्टोरी वाउज टू फिनिश बुद्धिज्म. The story ends with Srimati performing a miracle which convinces Ajatshatru about Buddhism's power. Now this was a very common theme in Buddhist stories. Ye Mauryan Samrat Ashok ki bhi dastan batai gayi hai Buddhist sources mein. Ye wala episode aap yahan click karke dekh sakte hain. Sabse badhiya painting aakhri painting hai. Saving the best for the last, as they say, जो कि 1945 में बनाई थी, जिसका शीर्षक टाइटल है अभिमन्यु वध. It's a story taken from Mahabharat but painted in a Tibetan style. The painting tries to depict Abhimanyu, the prodigal son of Arjun, who died in the epic battle of Mahabharat while trying to break the impossible or impregnable Chakravyuh. The paintings were the final touch to the grand project of Sayaji Rao III. The Kirti Mandir continues to be a unique monument in the subcontinent's history. Wo mandir to hai, par kisi bhagwan ke liye nahi. It's a temple, but for the legacy of a kingly dynasty. Through it, Sayaji Rao wanted to exalt his status, but also to align himself with both British and Indian traditions. And therefore, Westminster Abbey is what inspired Sayaji Rao, just like the Abbey was for the British monarchs, the Kirti Mandir was for the Gayakwad monarchs. But it was a completely Indian construction, replete with a shikhara, aur paintings bhi sari Hindu mythologies se thi. Kirti Mandir isiliye shayad Sayaji Rao ki true reflection hai, jo ki dono भारतीय और अंग्रेजी रीतियों का मान करते थे. पर शायद सबसे ज्यादा कीर्ति मंदिर एक राजा की महत्वाकांक्षा है कि माय फेम, मेरी प्रसिद्धि शायद उतनी ही पूजनीय है जितनी की भगवान की. माय फेम एंड पावर इक्वल्स दैट ऑफ द गॉड्स एंड देयरफॉर इट्स वर्थ वर्शिपिंग. एंड परहैप्स दिस इज व्हाई इट इज सयाजी राव्स बस्ट in the sanctum sanctorum of the temple. तो ये था आज का वीडियो. कृपया नोट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ किताबों के नाम मौजूद हैं जो कि कीर्ति मंदिर पे है, जिसको आप अपनी जिज्ञासा के लिए पढ़ सकते हैं या फिर इसीलिए क्योंकि आप मुझे फैक्ट चेक करना चाहते हैं. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन.